करेला तो वैसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन अगर चने की दाल के साथ करेला मिल जाए ना, तो उसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। अगर आप इस तरीके से चना दाल और करेला बना लेंगे ना, तो जमकर सबकी तारीफ जरूर पाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने लिए थे 1/2 किलो करेले। अच्छे से वॉश करने के बाद उसको छील लिया था हल्के हाथों से, और उसके बाद 4 भाग करे हैं उसके। जो बीज झड़ रहे थे उसको हमने झाड़ दिया है, लेकिन हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम यूज़ करेंगे। जो जो झड़ते भी जाएंगे ना, उसको हम निकाल कर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें नमक डाल देना है। अब 1 चम्मच के करीब मैंने नमक लिया है, और इसमें हम डाल देते हैं। अब इसको हम ढक कर रख देते हैं 1/2 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1 घंटा भी इसे रख सकते हैं। 1/2 घंटा हो चुका है, अब इसको हम चेक करेंगे। ये देखिए, इसमें सारा कड़वा पानी निकल गया है। हम इसे वॉश नहीं करेंगे, आप चाहे तो वॉश कर सकते हैं, मैं बस इसका पानी निकाल कर ही लिया है। एक पैन, गैस को कर लेंगे ऑन, और इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। इसे हमने तेज गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, हम सारे करेले इसमें डाल देते हैं। हम करेलों को थोड़ा शैलो फ्राई करेंगे, जिससे ये थोड़े करारे भी हो जाते हैं और काफ़ी हद तक पक भी जाते हैं। लेकिन हम इसे तेज गैस पर ही करेंगे, अलटते पलटते हुए। लेकिन इसे करने में 6-7 मिनट लग गए हैं, लेकिन बहुत अच्छे से हमें करेलों को ना शैलो फ्राई करना चाहिए, तभी इसका जो कड़वापन है ना, काफ़ी हद तक कम हो जाता है और इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसको एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख लेते हैं। अब हमने कढ़ाई ली है, गैस ऑन कर ली है, उसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, इसे गर्म कर लेंगे। देखिए, 4 लहसुन की कलियों को मैंने छीलने के बाद छोटा छोटा काट लिया था, वो मैं इसमें डाल दी, थोड़ा सा चला दें। 1 टीस्पून डाल दी जीरा। 1 प्याज को मैंने छोटा छोटा काट के लिया है। 1 इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक। 1 सूखी लाल मिर्ची मैंने डाली है। इन सब चीज़ों को हमें भून लेना है 3-4 मिनट के लिए। ये थोड़ा थोड़ा कलर बदलना शुरू हो गया है प्याज का। अब इस टाइम पे हम इसमें डाल देते हैं 2 हरी मिर्ची। ये इसको मैंने छोटा छोटा काटा है, लेकिन ये थोड़ी तीखी वाली है। मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और जो बीज थे ना करेले के, वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं, और इसे भी 2 मिनट के लिए भून लें। देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि जो हमने करेलों में नमक लगाया हुआ था, हमने धोया नहीं है, उस पर असर है, और थोड़ा सा नमक हमने और भी यूज़ करा हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके साथ ही हम इसमें डाल लेते हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं लाल मिर्ची डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी। अच्छे से मिक्स कर दें। 1 प्याज को तो हमने बारीक काट के डाला था, और 2 छोटी प्याज को मैंने ना 4 भागों में करने के बाद इस ढंग से खोल लिया है, और 2 टमाटर हैं, और ये कम खट्टे वाले टमाटर हैं, उनको भी हमने रफली चॉप किया है। मिक्स कर दें। अब इसमें 1 टेबलस्पून पिसी हुई सौंफ डाल देते हैं। इसको मैंने मिक्सी में पीसा है, और ये पीसने के बाद 1 टेबलस्पून है, इसे मिक्स कर दें। अब इन करेलों को भी इसमें डाल देना है हमने, अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, अब गैस को बिल्कुल स्लो कर 2 से 3 मिनट तक इसको हम ढक देते हैं। मैंने ली थी 1 कप चना दाल, अच्छे से वॉश करने के बाद 2 घंटे भिगो दिया था। देखिए, आपके पास टाइम कम है
तो आप एक घंटा भी भिगो सकते हैं। उसके बाद मैंने कुकर में एक कप पानी डाला, चना दाल डाली, 1 टीस्पून नमक, 2 चुटकी हल्दी, 1 छोटी चम्मच ऑयल डालकर पहले बिना ढक्कन के इसको उबलने दिया। इसके ऊपर जो थोड़ी थोड़ी झाग आती है उसको हमने हटा दिया। उसके बाद इसमें 2 व्हिसल लगाई है तेज गैस पर और कुकर को बिल्कुल ठंडा करके खोला है। देखिए हमने ज्यादा पानी नहीं डाला था, ना ही ओवर कुक करने दाल को। दाल हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। देखिए 2-3 मिनट हो गए इसे ढके हुए। पहले थोड़ा सा जला देते हैं। देखिए इसमें बिल्कुल भी अभी तक हमने पानी नहीं डाला है। अब इसमें दाल भी डाल देंगे और जो दाल का थोड़ा पानी है वो भी डाल देते हैं। देखिए अगर आप बिना पानी के बनाना चाहते हैं तो इस दाल का पानी आप निकाल भी सकते हैं। अब गैस को लो मीडियम करकर इसे 4 से 5 मिनट तक ढक देते हैं। हमने ली थी थोड़ी सी इमली, जैसे नींबू की साइज की होती है, उसको मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिया था। देखिए वैसे तो ये बिना उसके बीज की इमली है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत रेशा होता है। अच्छे से मसल लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से इसको हमने मसल लिया है। देखिए इसे भी 4-5 मिनट हो गए पकते हुए। अब डालेंगे जो इमली का पानी है, हम छान के डालेंगे। देखिए ये जो रेशा है ना, इसको हमने हटा देना है। अब 1/2 टीस्पून डाली मैं गरम मसाला और थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर दें। हमने गैस को बंद कर दिया है। ये बनकर तैयार है। आप इसे बनाइए, सबको खिलाइए। हाजिर होंगे एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।